हेलो गाइस, वेलकम बैक. यू आर वॉचिंग स्मेल जोन इंडिया. इस चैनल में हम लोग परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं, उनके डिफरेंट नोट्स के बारे में, उनकी कंपोजिशन के बारे में. आज हम जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं वो है पाशा बाय कार्टियर. मैंने इसके बारे में काफ़ी कम वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में थोड़ा एजुकेट किया जाए. कार्टियर जो ब्रांड है वो अर्ली 1800s का ब्रांड है. इट्स नोन फॉर इट्स ज्वेलरी. जिसके फाउंडर हैं उन्होंने 1847 में ये ब्रांड लॉन्च किया था. वो एक ज्वेलर थे बेसिकली, उनका नाम था फ्रांसिस कार्टियर. और उनकी थर्ड जनरेशन जो पेरे कार्टियर थे उनका नाम जुड़ता है काफ़ी पॉपुलर डायमंड्स के साथ, ज्वेल स्टोन के साथ. मैं कहूँगा जो वर्ड बहुत प्रीशियस है हमने इंडिया के, जैसे कि होप डायमंड जिसको जानते हैं, और कोहिनूर के साथ भी. तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही इसको रीशेपिंग की थी. और मैं चाहूँगा इस वीडियो के बाद आप जरूर पढ़ें इसको. एनीवेज, अब हम इस परफ्यूम के बारे में. ये 1992 में बना था और इसके जो परफ्यूमर थे वो जैकस कैवेलियर. वेरी क्लासी फ्रेग्रेंस एंड द बॉटल लुक्स प्रीटी अमेजिंग ऑन द शेल्फ. जैसे ही आप किसी मॉल में जाकर के कहीं भी आप स्टोर में देखोगे, आपकी नज़र जाएगी और आप ये ज़रूर ट्राई करना चाहोगे. ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था. अब इसके नोट्स के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं. 1992 का है तो काफ़ी क्लासी है, और क्लासी के साथ साथ बहुत यूनिक भी है. ये यूनिक कैसे है, अगर आप एक मैनली फ्रेग्रेंस जो कि एक बार्बर शॉप के साथ साथ थोड़ा सा अर्दी, थोड़ा अर्बल, मिंटी टाइप का, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए ये ज़रूर ट्राई करिएगा. मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके डिकेंट्स के लिंक डाल दिए हैं. इसकी बॉटल का MRP इज 10,000, बट यू विल गेट फॉर इजीली अबाउट 7,000 to 8,000 रुपीज डिस्काउंटर्स में. जरूर चेक करिएगा, उसके बाद आप बॉटल लीजिएगा कोई भी परफ्यूम की. स्टार्ट ऑफ होता है लेवेंडर के साथ, सब क्लासिक, एक फुजियार, एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस. उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि इसमें एक डिफरेंट एलिमेंट्स है, ऑलमोस्ट आपको ये जिंजर पाउडर के जैसा फील देगा क्योंकि बहुत फ्रेश भी है. तो इसमें मिंट का नोट बहुत प्रोनाउंस्ड मिलता है आपको. कैरबे जो कि जीरा जिसे हम कहते हैं वो है इसके अंदर. पिचुली मॉसी फ्रेग्रेंस है ये, ओक मॉस जिसे मैंने जो हर्बल मैंने नाम दिया था मैंने, तो थोड़ी सी जड़ी बूटियों टाइप की स्मेल आपको इसके अंदर जरूर आने वाली है. तो आपको वो आइडिया, वो क्लासिक फ्रेग्रेंसेस लगाना पसंद है, जेंटलमैनली फ्रेग्रेंस, तो ये मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा पाशा दे कार्टियर. इसकी लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन इज अबाउट 2 meters. इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्शन. और टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है तो ये प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छी देता है. साथ ही साथ इसकी जो लॉन्जेविटी है, आई वुड से अबाउट 4 hours, विच इज फाइन फॉर ऑडियो टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन. ये जाना बड़ा जरूरी है, आप लोग पूछते भी रहते हो कि ऑडियो परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन लूँ या ऑडियो टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन लूँ. तो ऑडियो टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन में आपको प्रोजेक्शन विल बी बेटर एज कम्पेयर टू द ऑडियो परफॉर्म, बट द परफॉर्मेंस इज जस्ट ऑपोजिट. पर परफॉर्म में ज़्यादा ऑयल होता है, कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऑडियो परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन या परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन को लॉन्जेविटी के लिए प्रेफर करना चाहिए. आई प्रेफर नॉट द प्रोजेक्शन बट आई प्रेफर द लॉन्जेविटी. तो इसलिए मैं ऑडियो परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन या परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन या एक्सट्रैक्ट द परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन पिक करूंगा. तो ये था हमारा वीडियो, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस फ्रेग्रेंस एंड इट्स वेरी क्लासिक फुजियर बाबू शॉप स्लैश मॉसी काइंड ऑफ हर्बल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को. थैंक यू सो मच. पीस.